जानते होंगे आप। दोस्तों आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपने देखा होगा बिट्टू बजरंगी को जेल हुई थी और उनकी ट्रांसफर पिटीशन पर आज सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट में, उनकी ट्रांसफर पिटीशन लगी है। तो बलजीत बेनीवाल जी हैं जो हाई कोर्ट के वकील हैं, साथ में वकील एलएन परासर हैं जो फरीदाबाद कोर्ट के वकील हैं, ये लोग जानकारी देंगे उस केस का क्या हुआ, आज सुनवाई होनी थी, क्या अपडेट है। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। ये जो आज सुनवाई होनी थी ट्रांसफर पिटीशन की, बिट्टू बजरंगी के बारे में क्या बताएंगे, तो क्या अपडेट है इसकी? आज सुनवाई के लिए डेट थी तो आज स्ट्राइक की वजह से जो बार काउंसिल ने दी हुई है इस वजह से 2 नवंबर 2023 के लिए एडजर्न किया गया है केस फर्दर सुनवाई के लिए। अच्छा अच्छा। तो उम्मीद है कि ट्रांसफर केस का फरीदाबाद हो जाएगा और अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो हमने एक रिक्वेस्ट और की है इन द मीन टाइम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके अपीयरेंस के लिए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर ट्रांसफर पिटीशन लगाने की? ट्रांसफर पिटीशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो जिस तरह के हमारे ऊपर एलिगेशंस हैं, शांति भंग करने का जो मेन एलिगेशन है कि हमारे वहां जाने से जो वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनमें उनके अंदर थोड़ा मनमुटाव है। अच्छा। तो ताकि वो शांत रहें, उनके अंदर कोई किसी तरह का भी कोई उन्माद पैदा ना हो। अच्छा। इसलिए यह पिटीशन। खतरा तो देखो है ही, काफी सारे थ्रेट्स हैं आए हुए हैं, ISIS की तरफ से भी थ्रेट्स हैं, पहले न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हो चुका है, एप्लीकेशंस भी दी है इन्होंने, धमकियां तो इन्हें पहले से ही मिल रही हैं और इस केस से पहले भी ही इन्हें धमकियां मिल चुकी हैं। तो हो जाएगा ट्रांसफर यहाँ पर उम्मीद है, हमने लगाई है और होना चाहिए, बाकी यह है न्यायपालिका देखेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। वकील साहब क्या कहेंगे, आप क्या बताएंगे? जो बताना था वकील साहब ने बता दिया, बेनीवाल साहब ने। जहाँ तक बात है ट्रांसफर की, बेनीवाल साहब बता रहे हैं पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बलजीत से, और उम्मीद है ट्रांसफर हो जाए, न्यायपालिका पे तो विश्वास है ही हमें। दूसरी है कि इसके पेरेंट्स ने भी ये और इसने ये जाहिर की थी कि हमें वहाँ जाने में खतरा और बाकी डिटेल में आप डिटेल में आप बेनीवाल साहब ने बताई थी। बार बार सिक्योरिटी भी लेनी पड़ती है जब भी डेट पे जाते हैं? नहीं नहीं, आपके डेट पे नहीं गए, सेशन के ऑर्डर ही ऐसे थे कि भाई आप यहाँ होगे तो पहले वहाँ वो करोगे, एसपी को दरखास्त देनी पड़ेगी जब आओगे। अच्छा। मोनू मानी सर की बेल एप्लीकेशन लग रही थी 26 तारीख को आर्गुमेंट के लिए, 26 तारीख को वहाँ वर्क सस्पेंड था, इस वजह से आर्गुमेंट ना हो पाई। अब उसकी तारीख 30 तारीख है, इसी 30 सितंबर को आर्गुमेंट होगी। गुरुजी बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस एक केस में मोनू माने सर को पेशी पर ला सकती है, वहाँ अजमेर जेल से, जो है अजमेर जेल में है, वहाँ से पेशी पर ला सकती है, कोई तीन सात केस है जो। देखो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर उसके पास केस है, सरकार लाना चाहेगी तो लाएगी, तो लॉ अपना काम करेगा जिस भी तरीका से वो होगी। जहाँ तक यहाँ की बात है, मैं उसे झूठा फंसाया हुआ, कोई ऐसे एलिगेशन नहीं है डायरेक्ट। तो बिट्टू बजरंगी ने कोई सुरक्षा की अपील वगैरह की है? बिट्टू बजरंगी ने की है, आपने बताई तो थी बेनीवाल साहब ने, इसी के उसमें तो ट्रांसफर लगाई है इसने हाई कोर्ट में। ठीक है सर, तो देख रहे हैं वकील साहब ने अपडेट दिया, बाकी देखते हैं इस मैटर में जो भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। वकील साहब केस लड़ रहे हैं तो इन्होंने बोला कि एक अपडेट दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आज सुनवाई होनी थी तो क्या हुआ इस मैटर में, क्योंकि वहां पर आपने सुना वकील साहब ने रीजन बता दिया, बाकी आगे जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह नमस्कार।